গাইস 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 হোয়াট ইজ দিস, মানে এখন ধুবরাটি ভার্সেস নরেন্দ্র মোদি, মানে এখন ভাই ইউটিউবে আসলেই দুজনের ভিতর চলতেছে কিছু না কিছু ভাই। সো আমি একটা কথা ক্লিয়ার আউট করতে চাই যে আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ ইন্ডিয়ান পিপল, সো আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন পলিটিক্স। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব অফিস ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো চলে শুরু করি, লেটস স্টার্ট। জয় শ্রীরাম। মোদিজি ভার্সেস ধ্রুব রাঠি, ই লফড়া। यस, जोक नहीं कर रहा हूँ, ई लफड़ा हो गया है। ये जाट लोग इतना ई लफड़ा क्यों करते हैं रजत भाई? हाँ, एक तरफ कंगना मीम बन रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन मोदी जी ने मीम पे रिएक्ट किया है। एंड गाइस गाइस, अनेके अनेक पॉलिटिशियन रहे हैं जादर होच्छे এই যে যে হচ্ছে ভিডিওটা, এটা হচ্ছে এই যে কার্টুনটা, তারা খারাপভাবে নিয়েছে অনেক পলিটিশিয়ান, বাট নরেন্দ্র মোদী এটাতে খারাপভাবে নিয়ে নেয়, বলছে ইটস ওকে, আরও সাপোর্ট করছে। ভাই বিগ হার্টেড পার্সন, এতে বোঝা যায়। লাগতা হ্যায় মোদিজি ভি আপনা আনফিল্টার্ড চ্যানেল খোলনে কি তৈয়ারি মে। হ্যাঁ, বাই দ্য ওয়ে গাইস, স্টুডিও টুর আ গয়া আনফিল্টার্ড। তের কো কোন বোলা তেরা প্লাগ ইন কর দে? কোন বোলা? মোদিজি নে দেখো গেমিং তো সিখ হি লি, অভি এডিটিং ভি সিখ হি লেঙ্গে, ফির ধ্রুব রাঠি কা সোচো কাইসে ব্লেম করেঙ্গে আইটি সেল কো। बेसिकली ध्रुव राठी ने, पता है आपको, मोदी जी पे वीडियो बनाई थी, डिक्टेटर वाली एक वीडियो बनाई थी। तो अब लोग इंटरनेट पे ये बोल रहे कि ममता बनर्जी, जिन पे एक सेम मीम बनाया था किसी ने, तो कोलकाता पुलिस ने मीम बनाने वाले को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने बोला, फिर FIR भी कर दिया। हाँ। लेकिन ऐसे मीम बनाने पे जेल होती तो मेरे आधे एडिटर जेल में होते। राइट। मोदी जी ने कौन से मीम पे रिएक्ट किया जिस पे उन्हें डिक्टेटर बोला जा रहा था? तो अब इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि ममता या मोदी, कौन डिक्टेटर? अब देखो मोदी जी ने चेकमेट कर दिया भाई, यार चेस का गेम खेल रहा है, कभी ध्रुव चेकमेट कर रहा है, कभी वहां से चेकमेट हो रहा है, एकदम घमासान युद्ध चल रहा है। अभी भी बोल रहा हूँ लफड़ा सेंट्रल पे आ जाओ, ऑफर स्टिल वैलिड, खबरें शो, बट स्टिल गॉट दैट खबरिज, खबरें शो पे आ जाओ। हाँ, सबसे बड़ा वो कांग्रेस बीटी में रहेगा कि साला मोदी जी पे मीम बनाया तो फायदा क्या, मोदी जी अगर चैनल बना के रिएक्ट कर दिए तो। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। लेकिन मैम, मेरा मानना है कि ऐसे मीम्स बनाने वालों को जेल मत भेजो यार, सोचो इन भाई साहब का सोचो क्या होगा। हाँ भाई, अनफिल्टर्ड बंद हो जाएगा मेरा, बट अच्छा लग रहा है मीम्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, पुलिस FIR फाइल, मोदी जी मीम्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया होता तो आधी ट्विटर की ऑडियंस पढ़ाई पे ध्यान देती। राइट। पे किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस हंसाने का काम कर रहा हूँ, कंगना रनौत जैसे, मैं भी कॉमेडियन हूँ। यस, तो कंगना की बात चल रही है तो कंगना रनौत फिर से एक बार न्यूज में है, ऑफकोर्स उनकी मूवी की वजह से नहीं, जो कि उनको होना चाहिए। कंगना रनौत इसलिए न्यूज में है क्योंकि उन्होंने खुद का कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से कर दिया। yes. अभिषेक बच्चन से भी किया था, ठीक, अमिताभ बच्चन से कर दिया। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद दावे से कह सकती हूं, अमिताभ बच्चन जी के बाद आपको पता ही होगा कंगना रनौत जी हिमाचल प्रदेश से इलेक्शन लड़ रही है, कोई तो कैंडिडेट चाहिए था ना बीजेपी को भी अपनी तरफ से कॉमेडियन, क्यों कंगना इलेक्शन में? कंगना ही एक है जिसकी मूवीज बॉयकॉट नहीं होती, किसी को पता ही नहीं चलती कब आई कब गई, बॉयकॉट क्या होगी। कंगना की धाकड़ मूवी देखने 20 लोग गए थे थिएटर में, सॉरी पूरे इंडिया में। अगर सीरियसली वोट किया ना तो सोसाइटी सेक्रेटरी बनना भी मुश्किल रहता है। बट मेरे को लग रहा है जनरली कंगना की एक और मूवी आ रही है, बिकॉज बाकी लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, पीआर कर रहे हैं, कंगना सीधा इलेक्शन में चली गई। ओ, इमरजेंसी मूवी रिलीज हो रही है 14 जून को, या तो मूवी आएगी या तो कंगना। आई होप मूवी अच्छी हो, आई होप लोगों को थिएटर का इमरजेंसी यूज ना करना पड़े मूवी देख के। बट कंगना ने पास्ट में भी ऐसे स्टेटमेंट दिए कि इंडिया को आजादी 2014 के बाद मिली। They knew it and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अरे कंगना, 2014-15 तक तो आपकी भी एक्टिंग सही थी, लोगों को भी आपकी एक्टिंग से आजादी उसके बाद ही मिल गई। बट एटलीस्ट कंगना की स्पीचेस वगैरह एंटरटेनिंग तो है, अनलाइक उनकी फिल्म्स। ऑल द बेस्ट। अभी ये सब देख के मैंने सोचा कि आइसक्रीम खाकर मूड सही किया जाए, लेकिन गर्मी इतनी है कि वो भी मेल्ट हो गई, अब मैं आइसक्रीम सूप पी रहा हूँ।
अच्छा। लेकिन ये पिघली आइसक्रीम छोड़ो, एक चीज है जिसके मेल्ट होने से काफी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे वेल बीइंग न्यूट्रिशन के ये मेल्ट ओरल स्ट्रिप्स। लेकिन अब आपको अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन कंप्लीट करने टैबलेट्स या वो गमीज की जरूरत नहीं है, इसलिए वहीं पर मेल्ट अभी तो बोला डायरेक्टली मेल्ट होकर आपके पम्पकिन सीड का न्यूट्रिशन से आपको जो भी फ्लेवर उसके साथ अमेज़न। और क्या हमारे एल्विश भाई फिर से मुसीबत में है? एल्विश भाई सांस नहीं लेते कि केस हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है। एल्विश भाई ईडी ने जंग छेड़ दिए एल्विश यादव के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये पहले कभी नारकोटिक्स, कभी एनिमल राइट्स, अभी ईडी। पहली बात मैंने एल्विश यादव और ईडी एक सेंटेंस में देखा, मैं डर गया, बोले ये क्या हो गया। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन कसम से मेरे को बुरा लगता है कभी कभी एल्विश के लिए, इतना कुछ हो रहा है उनके अगेंस्ट। काला धन व्हाइट में कन्वर्ट करना छोड़ो, जब से वो बिग बॉस के घर से बाहर आए जो धन है वो पूरा बेल में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ। क्या जुर्म किया बिग बॉस में जाना? हम तो नहीं जा रहे भाई, हमको ऑफर आ गया, हमने तो मना कर दिया ना भाई। एक तो मैं यूट्यूबर्स को बता दे रहा हूँ, जितने भी आपने स्पोर्ट्स कार के व्लॉग डाले सब प्राइवेट कर दो, अभी बता रहा हूँ। नहीं भी होगा तो भी भाई रेड मारेंगे, नहीं पता ना अभी तक यूट्यूबर्स कितना कमाते, तो सब प्राइवेट कर दो वीडियो, क्यों दिखाना है? ईडी वाले पीछे पड़ गए, इतनी बाल की खाल निकाली, भाई को अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा का सीएम चेंज हुआ इसलिए एल्विश यादव पे इतने सारे केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वो पिछले सीएम से मिले थे। कभी स्नेक वेनम का केस हो रहा है, कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है, अब किसको पता किया भी है कि नहीं बेचारे ने। बट इस चीज से हमें सीखने क्या मिलता है, अगर आप क्रिएटर हो तो रेव पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों से दूर रहो। नहीं, मुझे कभी कभी ऑनेस्टली लगता है कि कुछ ज्यादा ही अटैक किया जा रहा है एल्विश को। उन्होंने क्या किया, सिर्फ भाईचारा ऑन टॉप किया है, लाइफ क्यों बॉटम ला रहे हो उनकी? हाँ, इधर एल्विश भाई के अगेंस्ट प्लेट पे प्लेट दी जा रही है, केस सीधा नहीं एल्विश के नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो ईडी के केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं देश में, लेकिन ये ईडी के केसेस भी बहुत ज्यादा है। 100-200 करोड़ जिसके पास रहते हैं ना उनपे होते ईडी के केस। कभी कभी लगता है इतने केसेस क्यों हो रहे, न्यूज वालों को भी व्यूज चाहिए क्या? मैं तो 5 रुपए का बस टिकट भी संभाल के रखता हूँ, ये धगेज समझ के मेरे को उठा के ना लेके जाए, मैं अलग हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैक्सटन ही पनौती है, इसको जब से चाटा मारा है ना तब से जिंदगी चाटे मार रही है, ये मैक्सटन को हाथ मत लगाओ भाई, दूर रहो। बट आई जेन्युइनली होप के एल्विश यादव ना फंसे ये सब में, बिकॉज यार कम्युनिटी का आदमी है एंड वी डोंट वांट कि ये सब में फंसे। अगर उन्होंने नहीं किया है तो, और अगर किया है तो हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ सजा मिलनी चाहिए। बट आई जेन्युइनली होप ऐसा ना हो कि उनका ये क्लिकबेट रियल बन जाए। हाँ, मतलब अब बहुत लोग मुझे सांप बोलते हैं। क्यों? यस, देखो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रेप्टाइल के साथ मेरे को वो करोगे। महाराष्ट्र में एक आदमी के बाथरूम से सांप निकला है। आई वॉच दिस वीडियो। साला मेरे बाथरूम से ऐसा सांप निकले ना, मैं जिंदगी भर अडल्ट डाइपर पहनूं। रेंग रेकर जहरीला बन गया रहेगा। मैं तो भाई अपने फिनाइल में क्लीनिंग एजेंट शाबदान स्नेक वेनम जरूर डाल रहा हूँ, एक बार ठुके जाए को मारने वाला जहर। साला पहले लोग खेतों में टॉयलेट करने जाते थे तब सांप का डर लगता था, अब बाथरूम में भी सांप आ रहे, इधर क्या करे? हार्पिक वालों का टैगलाइन था ना पहले, साफ नहीं स्वच्छ, अब रखना चाहिए सांप ना ले डस। ये सीन के बाद अक्षय कुमार मूवी बनाएगा, टॉयलेट एक स्नेक कथा। अभी तो बेयर ग्रिल्स भी वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, आई थिंक ये वाला सांप शायद बेयर ग्रिल्स भी ना खाए। मैं सोच रहा हूँ अगर हमारे साथ ऐसा हो तो पहले जिप बंद करे या टॉयलेट का दरवाजा सब बंद करके भाग लो। भागने से याद आया हमारा अगला सेगमेंट, यूपी इज ओपी। यूपी इज ओपी। यूपी में एक बंदा अपनी शादी से भाग गया, पता है क्यों? क्योंकि उसको दहेज में क्रेटा नहीं मिली। So sad. Yes, स्विफ्ट मिली, ये बात का उसको ज्यादा दुख था। बट मैं लड़की वालों से नाराज हूँ, लड़की वाले क्या कर रहे हो यार, बंदे ने क्रेटा डिमांड की है, उसको एक वैगनर दो, नहीं नई वाली नहीं, खरीद के नहीं, ओला करके दो और घर पे भेज दो। साले दहेज मांग भी रहा है तो डिमांड के साथ के ब्लैक कलर की क्रेटा दिया इस लड़की को, साले ब्लैक क्रेटा मार मार के नीला कर दूंगा, ब्लैक क्रेटा चाहिए इसको, क्रेटा नहीं 10 स्टैंडर्ड के बुक्स खरीद के दो। साले अभी भी दहेज चाहिए इनको, 10 स्टैंडर्ड की बुक्स में होता है कि दहेज इल्लीगल है। लेकिन लड़की वाले भी कैंसलेशन फीस अप्लाई कर दी, अगर शादी कैंसिल करनी है तो जितना खर्चा हुआ है सब दे दो। तो लड़के वालों को 17 लाख रिटर्न करने पड़े।
थोड़ा पागल भी गले क्या तू? इतने में क्रेटा खरीद लेता? 17 लाख थे भी नहीं, 12.5 लाख दिए और बाकी जो एक छोटी मोटी सोनेट कार थी वो भी गिरवी रखनी पड़ी देने के लिए। क्रेटा में घर जाने के ख्याल थे, पैदल चला गया बेचारा। और भाई की डिमांड पहले से नहीं थी, ऑन द स्पॉट जब मालूम पड़ा ना कि स्विफ्ट मिलने वाली, तब पलट गया। लड़की वालों ने भी ऑन द स्पॉट दूल्हा बदल दिया। लड़के वालों की बारात जाने के बाद लड़की वालों ने दूसरे गांव से बारात बुला के, क्या मैकडोनल्ड्स की लाइन लगी है क्या? दूसरा आदमी रेडी है माला लेके। उधर बेचारे गेस्ट लोग लिफाफे पे कैंसिल करके दूसरे दूल्हे का नाम लिख रहे, कैसा लगता है यार। बट स्टिल स्क्रिप्ट हीरा मंडी से बेटर है, एटलीस्ट शादी का प्रोडक्शन कॉस्ट तो कवर हो गया। खास नेटफ्लिक्स के भी ऐसे ही लॉसेस कवर होते हैं। हीरा मंडी छोड़ो, मैं कपिल शर्मा शो की बात कर रहा हूँ। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो की शूटिंग खत्म हो गई है। Yes, हो नहीं गई है, कर दी गई है, क्योंकि व्यूवरशिप इतनी कम आ रही थी, व्यूवरशिप थी ही नहीं कि नेटफ्लिक्स ने सोचा अभी भाई बस पैसा नहीं, बस रुक जा, शो मोमेंट हो गया भाई, माफ कर के साथ तो। देखो भाई कोई ज्यादा फर्क नहीं है थगेश शो में और नेटफ्लिक्स शो में, ओके okay? दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। नेटफ्लिक्स के पास पैसा है, नेटफ्लिक्स के पास गेस्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास व्यूअरशिप तो है। भाई कपिल शर्मा शो बंद होने से कपिल शर्मा गरीब नहीं हुआ, थगेश शो से थगेश जरूर गरीब हुआ है। नहीं बट क्या है, थगेश शो के बाद लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, चला नहीं कपिल शर्मा, पैसा बहुत मार खाएंगे। बट यही है ना, कपिल शर्मा की ऑडियंस टीवी की थी, एंड कपिल शर्मा सालों से टीवी पे कपिल शर्मा शो चला रहे थे, कभी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चलाया, पर नेटफ्लिक्स पे देखो 5 एपिसोड्स भी नहीं टिक पाए। नेटफ्लिक्स की ऑडियंस ना, ये लोग को फनी लगता जब मर्द साड़ी पहन के लिपस्टिक लगाए। इस न्यूज की खबर अर्चना पूरन सिंह के इंस्टाग्राम से पता लगी। यस, एंड बहुत ही शॉकिंग न्यूज अर्चना पूरन सिंह के लिए, क्या करेगी न्यूज के बाद शारदा ने क्लैरिफाई किया कि नहीं नहीं सीजन 2 आएगा, टेंशन मत लो आएगा। भाई इतनी व्यूअरशिप डिक्लाइन हो गई, इसका नाम रखना चाहिए द ग्रेट इंडियन, नहीं द एवरेज कपिल शर्मा शो। आई थिंक कपिल शर्मा की ऑडियंस जो टीवी की ऑडियंस है, जो इंटरनेट की ऑडियंस है, वो शायद किसी और को देखना चाहती है, किसी कोई और शो का सीजन 2 देखना चाहती है, यू नो मेबी सीजन 2 देख सकते हैं। कपिल शर्मा को देखने मजा आता था जब देखने के लिए कुछ और नहीं होता था। फर्स्ट एपिसोड में देखो रणबीर कपूर एनिमल आए थे, लास्ट एपिसोड में बॉबी देओल आए, के एनिमल कास्ट से शुरू होके एनिमल के कास्ट पे खत्म कर दिया। बट मानना पड़ेगा एनिमल ने कपिल और फेमिनिज्म दोनों खत्म कर दिया। बट आई जेन्युइनली फील वापस आ जाए कपिल शर्मा शो, हम सबका इंस्पिरेशन है, हमारा इंस्पिरेशन है, मजा आता है देख के, यू नो फैमिली फ्रेंडली, ही इज द नंबर वन कॉमेडियन इन इंडिया, उनको बहुत रिस्पेक्ट दो। ओके, आई रिस्पेक्ट यू, नेटफ्लिक्स मौका दे कपिल शर्मा शो और थगेश सीजन 2। राइट, से बोल रहे गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल बहुत पसंद है, प्लीज गाइस प्लीज सब्सक्राइब। और जैसे मैंने वीडियो में बोला था, आप अपनी डेली नीड्स के हिसाब से अलग फ्लेवर के साथ इनकी रेंज से अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट। तो गाइस कैसा लगा दिस वीडियो, तो प्लीज़ बताओ, एंड सबा एक बार बोलो जय श्री राम। ओके, प्लीज़ राइट इन कमेंट से जय श्री राम। तो अनेक भाल लगे गाइस, एंड इफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सबाई देखे चलो जाओ, क्यों सब्सक्राइब करो ना, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नॉट सेकेंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो इफ यू सब्सक्राइब माई सेकेंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल, आई विल मेंशन योर नेम इन अ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो मस्ट। सो नमस्ते गाइस, लव यू, टाटा।